हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं टीडीएस को किस तरीके से कंप्लायंस किया जाता है इन केस ऑफ सैलरी। मैं हूं असद अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी एंड अदर 200 प्लस सर्विसेज। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर बिकमिंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर एंड अकाउंटेंट। सो अगर फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देख रहे हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है कि टीडीएस की जो हाइलाइट्स है, मतलब हम लोग ये पूरी सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में। उसके बाद मैंने उसमें आपको बताया कि बेसिकली टीडीएस होता क्या है, टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि टीडीएस की नीड क्यों थी या गवर्नमेंट ने टीडीएस को इन केस ऑफ सैलरी इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। सो फ्रेंड्स, अगर उस सीरीज को आपने नहीं देखा है तो मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से उसे जाकर के देख सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि टीडीएस को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है इन केस ऑफ सैलरी। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि टीडीएस का रेट क्या होता है सैलरी के केस में। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस को कंप्लायंस करना इन केस ऑफ सैलरी क्या ये कंपलसरी है या कोई दूसरा ऑप्शन भी है। फिर हम लोग सीखने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर, और आपको अगर डिटेल में आपको लर्निंग करना है टीडीएस तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको क्या करना होगा। सो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ में। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि टीडीएस को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है इन केस ऑफ सैलरी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि एक स्कूल है जिसका नाम है एबीसीडी स्कूल। इसमें एक टीचर टीचिंग करता है जिसका नाम है मिस्टर रमेश। अब स्कूल की तरफ से मिस्टर रमेश को सैलरी मिलती है 50,000 रुपीज पर मंथ की। अब अगर इनको 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी एनुअल सैलरी कितना होंगे, 6 लाख। अब ये 6 लाख के ऊपर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान ले कि रमेश को जो टैक्स पेबल आता है ये है 48,000 रुपीज पर ईयर का। ये 48,000 रुपीज जो इनको इनकम टैक्स पेबल आता है, रमेश पे करेंगे या नहीं करेंगे ये स्कूल नहीं जानती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि टीडीएस को कानून को इंट्रोड्यूस किया, मतलब टीडीएस को कानून को इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि जब भी कोई एम्प्लॉयर, मतलब जब भी कोई स्कूल, ये स्कूल जरूरी नहीं कि कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई कॉलेज भी हो सकता है या कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, मतलब मिस्टर रमेश को टैक्सेबल सैलरी पे कर रहा है, टैक्सेबल सैलरी मतलब कि 6 लाख जो है उनकी टैक्सेबल सैलरी है, वो टैक्स की लिमिट के ऊपर चले गई है ना, और उनकी सैलरी पे 48,000 टैक्स पेबल आ रहा है, तो जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टैक्सेबल सैलरी पे करता है तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स को डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे। तो अब स्कूल को क्या करना होगा, रमेश को जो 50,000 रुपीज सैलरी ये पे कर रहे हैं इसमें से टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इनको 48,000 रुपीज तो आ रहा है पर ईयर का, तो पर मंथ का मान लो हो सकता है 4,000 रुपीज आएगा। अब स्कूल को क्या करना होगा कि 4,000 रुपीज इनकी सैलरी में से डिडक्ट करना होगा और जो बचा हुआ 46,000 है ये मिस्टर रमेश को पे करेंगे, मिस्टर रमेश को एज अ सैलरी पे करेंगे और उनका जो 4,000 रुपीज जो डिडक्शन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस होगा वो इनकम टैक्स रहेगा, मतलब जो टीडीएस है ना ये इनकम टैक्स रहेगा, उनकी सैलरी में से डिडक्ट करेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो रमेश को पे किया जाएगा और ये जो 4,000 जो स्कूल ने डिडक्ट किया है ये गवर्नमेंट को पे करेंगे एज अ इनकम टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो ये है कंप्यूट करने का तरीका। अब अगर मिस्टर रमेश बोलते हैं नहीं, मेरी सैलरी में से 44,000 रुपीज आप डिडक्ट मत करो, आप 2,000 डिडक्ट करो, ये रमेश नहीं बोल सकते हैं। अगर रमेश ऐसा बोलते भी है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सैलरी में से ये 4,000 ही डिडक्ट करे, या रमेश, मिस्टर रमेश को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ होता है कि इनका टैक्स 48,000 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, जिसके बेसिस पे ये 4,000 का डिडक्शन ना करे, उससे कम करे। और अगर रमेश ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं तो ये स्कूल की, कंपनी की, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सैलरी में से टैक्स को डिडक्ट करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि टीचर्स या एम्प्लॉयर बोलता है कि मेरे सैलरी में से इतना टैक्स मत डिडक्ट करो, इतना करो, मतलब उनको फायदा, जैसे कि 4,000 रुपीज यहाँ पे रमेश की सैलरी में से डिडक्शन हो रहा है, अब रमेश अगर चाहे बोले कि मेरे को 2,000 ही डिडक्शन करवाना है तो रमेश वो नहीं बोल सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि इनके सैलरी में टैक्स कितना पेबल आ रहा है और इनका डिडक्शन कितना करना है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद में आता है क्या ये कंपलसरी कंप्लायंस है, मतलब क्या स्कूल को ये चीज कंपलसरी करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डेफिनेटली, मतलब कंपलसरी स्कूल को ये करना ही होगा।
कंपलसरी कंपनीज को ये करना ही होगा। अगर कंपनी या एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो ये टीडीएस का कानून इतना सख्त है कि एम्प्लॉयर को इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हो, अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहते हो, तो टीडीएस की जो कंप्लायंस है उसको कंपलसरी कंप्लायंस करो। इसके बाद में आता है कि टीडीएस के लिए कोई रेट डिक्लेयर किया हुआ है, तो टीडीएस के लिए कोई रेट डिक्लेयर नहीं किया है कि 10% डिडक्शन करना है, कोई बोलता है 5% डिडक्शन करना है, टीडीएस के लिए कोई रेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। टीडीएस के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि देखना ये चाहिए कि एम्प्लॉयर की सैलरी कितना है, उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स कितना आता है और उसके हिसाब से उसका डिडक्शन करते चले जाना चाहिए, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की, ना कि एम्प्लॉय खुद बोले कि मेरी सैलरी में से इतना कम डिडक्शन करो या इतना ज्यादा डिडक्शन करो। इसके बाद में आता है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आज के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्यूरी है जो आपको नहीं समझ में आई है या आप कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अभी तक के क्लियर नहीं हो पाए है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके उसे पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। और अगर फ्रेंड्स आप टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हैं, मीन्स अगर आप जानना चाहते हैं कि टीडीएस बेसिकली क्या है, किस किस पेमेंट पे एप्लीकेबल होता है, पैन और टेन का प्रोसेस क्या है, टीडीएस जहाँ रिटर्न फाइलिंग किया जाता है उसका इंटरफेस कैसा है, या टीडीएस का स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसकी ड्यू डेट क्या है, उसके रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से करना है, अगर कुछ मिस्टेक आपसे फाइल हो गई तो उसको किस तरीके से करेक्शन करना है, इतना ही नहीं फॉर्म 16 या फॉर्म 16 ए को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है या उसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसके आगे की सीरीज में हम आपके लिए लाने वाले इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में, बाद में हम आपको बताएंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड, बाद में हम आपको अकाउंटिंग, उसके बाद में हम आपको बताएंगे बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब आपने टीडीएस सीख लिया, इनकम टैक्स सीख लिया, जीएसटी भी सीख लिया, अकाउंटिंग भी आपके आ गई, लेकिन आपको क्लाइंट मिलेंगे कैसे? उस क्लाइंट को हासिल करने के लिए आपको बिजनेस एथिक्स को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है जिसे टैली के नाम से जाना जाता है, और इससे रिलेटेड मतलब जो बहुत सारे बड़े बड़े काम होते हैं एक्सेल्स के अंदर होते हैं, हम इससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि लोन एंड फाइनेंस को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें को हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आप चाहे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। आप उस लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और टाइम टू टाइम हमारे साथ में अपडेट रहें।